नमस्कार, इन फिल्म टू बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है महेश विश्वकर्मा। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की फिल्म राधे और बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, दोनों फिल्में दोस्तों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी धूम मचाने वाली है। और दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी जानते थे कि लाल सिंह चड्ढा साल 2020 में क्रिसमस के शुभ अवसर पर रिलीज होने वाली है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस दोनों फिल्मों को लेकर के जो बहुत ही खास खबर सामने ये आ रही है कि सलमान खान की जो फिल्म है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई अब क्रिसमस के शुभ अवसर पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि लाल सिंह चड्ढा मूवी की जगह अब राधे योर मोस्ट वांटेड भाई मूवी रिलीज की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, गोलमाल 5 मूवी का अनाउंसमेंट जब से हुआ है फैंस फिल्म को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं। दोस्तों गोलमाल 5 से जुड़ी कोई भी खबर सामने आती है तो खबर चर्चाओं में बन जाती है। सोशल मीडिया और बॉलीवुड में आए दिन गोलमाल 5 की चर्चाएं होती रहती हैं। तो वैसे भी बात की जाए फिल्म की सबसे खास बात के बारे में तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हाल फिलहाल में इस बात का खुलासा किया गया था कि रोहित शेट्टी का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, यानी कि जो अगली फिल्म होने वाली है, वो है गोलमाल 5। यानी कि दोस्तों जिस तरह से हमारे भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद से गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों गोलमाल 5 मूवी पर काम काफी जोर शोर से चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट, मच अवेटेड फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। जैसा कि फिल्म के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे। अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, नूरा फतेही, सोनाक्षी सिन्हा जैसे बड़े सुपरस्टार नजर आने वाले हैं। दोस्तों फिल्म की स्टोरी काफी इंटरटेनिंग होने वाली है। फिल्म में अजय देवगन थ्रिलर एक्शन बड़े पैमाने पर करते हुए नजर आएंगे। वैसे में दोस्तों लॉकडाउन की वजह से फिल्म पर बहुत सारा काम बचा है। फिल्म की शूटिंग, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन बहुत सारा काम बचा है, जिसकी वजह से फिल्म को 14 अगस्त को रिलीज नहीं किया जा सकता है। तो वैसे में दोस्तों बात की जाए कि आखिरकार फिल्म कब रिलीज की जाएगी, तो दोस्तों इस बात पर जो खबरें आ रही हैं फिल्म की रिलीज डेट को लेकर के जो खबरें आ रही हैं कि दोस्तों जो फिल्म है भूज द प्राइड ऑफ इंडिया अब साल के लास्ट में रिलीज की जाएगी। यानी कि दोस्तों बड़े बजट की फिल्म है तो फिल्म मेकर्स कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर के। वैसे में दोस्तों इस बात का खुलासा किया गया कि फिल्म साल के लास्ट में रिलीज की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट, बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्शन स्टार जॉन अब्राहम अपने फिल्म सत्यमेव जयते का सीक्वल लेके आ रहे हैं, सत्यमेव जयते 2। अब ऐसे में दोस्तों फिल्म से जुड़ी कुछ खास खबरें सामने आई है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करें फिल्म सत्यमेव जयते 2 के एक्शन सीन्स के बारे में दोस्तों, इस बात का खुलासा किया गया है दोस्तों, जिस तरह से हल्क अपनी फिल्मों में एक्शन सीन्स करते हुए नजर आता है, फाइट सीन करते हुए नजर आता है, हवा में उड़ता है, तो दोस्तों इस बात का खुलासा किया गया है कि जिस तरह से हल्क अपनी फिल्मों में फाइट करते हुए नजर आता है, उसी तरह से जॉन अब्राहम सत्यमेव जयते 2 में फाइट करते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों हल्क से तुलना की गई है जॉन अब्राहम की। यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है कि फिल्म सत्यमेव जयते 2 में एक्शन थ्रिलर बड़े पैमाने पर फिल्माए जाएंगे।